वेलकम टू एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल मी रोटेन सीजन 3 एपिसोड 1। तो जैसा कि सीजन 2 के एंड में तुम्हें याद है ना, समर वेकेशन के लास्ट डे पर अमाने को माहिरू के फादर से मिलना पड़ा, जिसके वजह से एक बार फिर माहिरू के पेरेंट्स के थ्रू उसे दिया गया दर्द उभरने लगा और माहिरू की आंखों में ये दुख साफ दिख रहा था। यहाँ तक कि माहिरू को कम्फर्ट फील कराने के लिए अमाने ने उससे मजाक में पूछा कि क्या मैं आज की रात तुम्हारे साथ बिता सकता हूँ। बट यार माहिरू ने अमाने को साफ इनकार कर दिया क्योंकि आज उसे थोड़ी देर अकेले रहना है। लेकिन इस बात का अमाने को दुख नहीं है क्योंकि उसे पता है कि माहिरू किस दर्द से गुजर रही है। अमाने बस चाहता है कि माहिरू अपने आप को हद से ज्यादा फोर्स न करे। अमाने का ये भी कहना है कि माहिरू तुम मुझ पर डिपेंड हो सकती हो और तुम्हें ये दुख अकेले सहने की कोई जरूरत नहीं है। एंड यार अब समर वेकेशन एंड हो चुका है और स्कूल भी स्टार्ट हो चुका है। अभी अमाने स्कूल के लिए रेडी हो रहा है, लेकिन साथ ही उसे इस बात का भी दुख है कि माहिरू के लाइफ का ज्यादातर हिस्सा अब सिर्फ और सिर्फ उसके ही चारों तरफ घूम रहा है। और यार उसे इस बात का थोड़ा दुख है क्योंकि अमाने को पता है कि वो हर एक प्रॉब्लम में माहिरू की हेल्प नहीं कर पाएगा। और यार आज सिंस स्कूल का पहला दिन है, इसलिए माहिरू हर रोज के कंपैरिजन अमाने के अपार्टमेंट में जल्दी आई है और उसके चेहरे पर बाकी दिनों जैसा ही स्माइल है। लेकिन अमाने को लग रहा है कि कहीं माहिरू के चेहरे पर ये फेक स्माइल तो नहीं है ताकि अमाने उसके बारे में ज्यादा चिंता न करे। लेकिन यार माहिरू का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में अब वो ज्यादा नहीं सोच रही है। एंड ये जानकर अमाने भी अब रिलैक्स्ड फील कर रहा है और उसका कहना है कि मेरी जब भी जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और माहिरू के भी एक्सप्रेशन से साफ है कि उसे अमाने की हेल्प लेने में जरा भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ माहिरू अमाने को स्कूल टाई पहना रही है जो कि वो जल्दी जल्दी में बाथरूम में भूल गया था। और यार अमाने खुद से टाई पहन सकता है लेकिन वो इतना हार्ट वार्मिंग अपॉर्चुनिटी को कैसे मिस कर सकता है जहाँ माहिरू उसे टाई पहना रही है और ऐसा लग रहा है कि मानो माहिरू उसकी न्यूली वेड वाइफ है। एंड नाउ फाइनली अमाने ने माहिरू का हाथ पकड़ा और थोड़ी देर बाद दोनों स्कूल में हैं। और अभी सितंबर का मंथ चल रहा है लेकिन फिर भी आज बहुत ज्यादा गर्मी है। अमाने ये सब अभी सोच ही रहा था कि तभी इतुस्की उससे कहता है, यार तुम्हें इतना शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर अमाने कंफ्यूज्ड है कि इतुस्की आखिर कहना क्या चाहता है। इतुस्की का कहना है कि तुम दोनों की एक्सप्रेशन और बातें करने का तरीका बहुत ज्यादा फ्लर्टी है। लेकिन यार अमाने के हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो तो बस माहिरू से लास्ट टेस्ट के बारे में डिस्कशन कर रहा है। लेकिन ये चीज भी बाकी सभी लोग को फ्लर्ट लग रहा है। एंड इतुस्की अमाने को और क्लियरली समझाने के लिए कहता है कि एक बार के लिए तुम अपने चारों तरफ तो देखो। और यार इतुस्की के ऐसा कहने पर अमाने ने जब अपने चारों तरफ देखा तो वो नोटिस करता है कि उसके सभी क्लासमेट्स इन्हीं दोनों को देख रहे हैं, जहां लड़कों की आंखों में जलन साफ दिख रहा है और लड़कियां अमाने को देखकर मुस्कुरा रही हैं। एंड इतुस्की अमाने को यही समझाना चाह रहा है कि फ्लर्टिंग वगैरह स्कूल में मत करो, नहीं तो सभी लोग इसका गलत मतलब निकालेंगे। जिसे सुनने के बाद अमाने का इतुस्की से कहना है कि तुम और चितो से भी तो हमेशा स्कूल में फ्लर्ट करते रहते हो। जिसका इतुस्की जवाब देता है कि हम दोनों स्कूल में फ्लर्टिंग जानबूझकर करते हैं और वैसे भी हम दोनों तुम्हारी तरह मैरिड नहीं है। और यार इतुस्की अमाने को मैरिड इसलिए कह रहा है क्योंकि उसे पता है कि अमाने माहिरू को कितना ज्यादा प्यार करता है और वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। और वहीं बगल में इतुस्की की ये सारी बातें सुनकर माहिरू का भी चेहरा लाल हो रहा है और वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही है। और साथ ही माहिरू के चेहरे से ये भी साफ है कि अमाने की पिछली सारी बातें उससे भी बहुत ज्यादा फ्लर्टी लग रही थी। लेकिन यार वहीं अमाने को ये समझ नहीं आ रहा है कि उसकी बातें आखिर कैसे फ्लर्टी हैं। तभी इतुस्की उसे समझाता है कि क्लास के बाकी स्टूडेंट्स या फिर बाकी लोगों से जैसे तुम बात करते हो उसके कंपैरिजन माहिरू से तुम्हारी बातें बिल्कुल अलग है और माहिरू से बात करते समय तुम बहुत ज्यादा जॉयफुल केयरिंग और खुश दिखते हो। लेकिन यार अमाने अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो स्कूल या फिर किसी पब्लिक प्लेस पर माहिरू से ज्यादा फ्लर्टी ना हो। लेकिन फिर भी वो माहिरू से इतना ज्यादा प्यार करता है कि ना चाहते हुए भी वो माहिरू के सामने बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड और केयरिंग हो जाता है। और ये सारी कन्वर्सेशन के बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ चितो से इतुस्की के सीट पर आकर हमेशा की तरह टेस्ट से पहले रो रही है और टेस्ट देने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। और यार सब उसे समझा रहे हैं कि रोने का कोई फायदा नहीं है, चाहे कुछ भी हो टेस्ट तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। और यार इतुस्की भी थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दे रहा है क्योंकि उसके पेरेंट्स के तरफ से उसे अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए फोर्स किया जा रहा है। हालांकि इतुस्की पढ़ाई में अच्छा है लेकिन इस समय मैक्सिमम टाइम चितोसे के साथ स्पेंड करने की वजह से उसके मार्क्स थोड़े एवरेज आने लगे हैं। और यार यही चीज इतुस्की के पेरेंट्स को अच्छा नहीं लग रहा है। और सीजन 2 में मैंने बताया था ना कि इतुस्की के पेरेंट्स को चितोसे बिल्कुल पसंद नहीं है और इसका सबसे बड़ा रीजन है इतुस्की के एवरेज ग्रेड्स। इसलिए इतुस्की अब और मेहनत कर रहा है ताकि उसके ग्रेड्स अच्छे आए और उसे जो चीज चाहिए वो मिल सके। और यार वहीं दूसरी तरफ चितोसे टेस्ट में आने वाले नोट्स के बदले अमाने को माहिरू की कुछ फोटो दिखाने को कह रही है, जिसमें से एक फोटो में माहिरू हॉरर मूवी देखते हुए डरी हुई है और दूसरे फोटो में उसके चेहरे पर केक लगा हुआ है। और ये जानकर अमाने उन फोटोज को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन माहिरू नहीं चाहती है कि अमाने उन फोटोज को देखे क्योंकि उसके हिसाब से वो उन फोटोज में क्यूट नहीं लग रही है। लेकिन यार अमाने का कहना है कि माहिरू हर एक तरह से क्यूट दिखती है, चाहे उसके चेहरे पर केक लगा हो या फिर हॉरर मूवी देखते टाइम वो डरी हुई हो। लेकिन हाँ ये भी है कि जब तक माहिरू की परमिशन नहीं मिलेगी अमाने चाहकर भी चितोसे से उन फोटोज को नहीं मांग पाएगा। और हाँ माहिरू साथ ही अमाने से ये भी पूछती है कि क्या होगा अगर मैं
तुस्की से तुम्हारा कोई अजीब फोटो मांगू, लाइक जब तुम कैरियोके गए थे और तुमने कैट ईयर्स पहना था। ये सुनकर अमाने का कहना है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तक जब तक उन फोटोज को तुम देखोगी। और ये जानकर मारू थोड़ी निराश है। और हाँ, एक और चीज, ये बात कुछ दिन पहले की हो रही है, जब अमाने इतुस्की के साथ कैरियोके गया था और वहाँ इतुस्की कैट ईयर लाया था और उसने जबरदस्ती अमाने को वो कैट ईयर्स पहनाया। लेकिन जैसे ही अमाने ने रियलाइज किया कि वो थोड़ा अजीब लग रहा है, उसने तुरंत इन कैट ईयर्स को निकाल दिया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और इतुस्की ने उसकी फोटो क्लिक कर ली थी एंड मायरू उन्हीं फोटोज की बात कर रही है। और सिंपली ये सारी बातें करते हुए दोनों किचन में काम कर रहे हैं एंड नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहां अमाने और मायरू कल होने वाले टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं और मायरू जानना चाह रही है कि इस बार टेस्ट के बाद उसे रिवॉर्ड में क्या मिलेगा। और जैसा कि तुम्हें सीजन 1 में याद ही होगा कि टेस्ट में अच्छे ग्रेड्स लाने पर अमाने ने मायरू की गोद में सर रख कर अपनी ड्रीम लाइफ एंजॉय किया था और अब मायरू को भी टेस्ट के बाद रिवॉर्ड में कुछ चाहिए। हालांकि मायरू हमेशा क्लास में टॉप करती है, इसलिए अमाने थोड़ा सोच रहा है कि मायरू को रिवॉर्ड क्यों चाहिए। और वैसे भी वो जल्दी कुछ मांगती भी नहीं है, जिसका मतलब है कि मायरू ने पहले से डिसाइड करके रखा है कि उसे क्या चाहिए। और यार, जो अमाने सोच रहा है वो बिल्कुल सही है। मायरू उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे रूम का कुशन चाहिए, जो कि यार अमाने सोते टाइम यूज करता है, इसलिए कुशन थोड़ा पुराना भी हो गया है। लेकिन मायरू का कहना है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और सिंस तुम इसे यूज करते हो इसीलिए मुझे ये कुशन चाहिए, क्योंकि तुम्हारी स्मेल मुझे शांत रखती है। और यार ये थोड़ा अजीब है, इसलिए अमाने जानना चाह रहा है कि कहीं मायरू को उसके स्मेल से ऑब्सेशन तो नहीं है, क्योंकि यार शायद तुम्हें पता ही होगा कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें स्मेल से अलग ही प्यार होता है। लेकिन मायरू का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे तुमसे प्यार है, इसलिए मुझे तुम्हारी स्मेल से भी प्यार है और मुझे खुशी होगी अगर तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। एंड यार मायरू की ये सारी बातें सुनकर अब जब अमाने सोच रहा है तो उसे याद आ रहा है कि जब भी मायरू उसके अपार्टमेंट में आती है तो हमेशा वो इस कुशन को अपने साथ ही रखती है और इसे हग भी करती है। अमाने को पहले लगता था कि वो बस यूं ही इस कुशन को हग करती है, लेकिन अब उसे समझ आ रहा है सिंस वो हमेशा सोते टाइम इस कुशन को यूज करता है, इसलिए मायरू इस कुशन को हमेशा अपने साथ रखना चाहती है। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमें बताया जाता है कि टेस्ट फाइनली खत्म हो चुका है और चितोसे इस चीज से बहुत ज्यादा खुश है और वो इसे सेलिब्रेट करने और मायरू को टेस्ट में हेल्प करने के लिए एज अ थैंक ट्रीट देना चाहती है। लेकिन मायरू नहीं चाहती है कि अमाने को अकेले घर जाना पड़े और उसके चेहरे से ये साफ है, इसलिए अमाने ने मायरू से झूठ बोला कि वो भी इतुस्की के साथ आज बाहर जाने वाला है ताकि मायरू चितोसे के साथ टाइम स्पेंड कर सके और थोड़ा रिलैक्स फील कर सके। और अब अमाने और इतुस्की दोनों बर्गर खा रहे हैं और अपने अपने रिलेशनशिप के बारे में बातें कर रहे हैं, जहां इतुस्की अमाने से मजाक में कहता है कि अब तुम्हें मायरू से शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन अमाने का कहना है कि अभी तो मैं 16 साल का हूं, तो ये तो अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। और अमाने के एक्सप्रेशन से लग रहा है कि वो इतुस्की के इस बात को मजाक में बिल्कुल नहीं ले रहा है, उसने शायद पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि वो आगे चल के मायरू से शादी करेगा। और यार इतुस्की का भी चितोसे को लेकर सेम यही डिसीजन है, लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि उसके फादर को चितोसे बिल्कुल पसंद नहीं है और इसीलिए इतुस्की अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश कर रहा है ताकि उसके फादर एवरेज ग्रेड्स के लिए चितोसे को जिम्मेदार न ठहरा सके। और यार सिंस इस समर वेकेशन में अमाने मायरू के साथ अपने होम टाउन भी गया था, इसलिए इतुस्की को लग रहा है कि इन दोनों के बीच बहुत कुछ हो चुका है। लेकिन यार तुम्हें तो पता ही है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये जानकर इतुस्की अमाने से पूछता है कि अपने होम टाउन में तुम मायरू के साथ 24 घंटे थे और तुमने कुछ भी नहीं किया, तो इस टाइम पर आखिर तुम कर क्या रहे थे। एंड अमाने का हमेशा की तरह फिर से यही कहना है कि वो इन सारी चीजों को अपनी तरह से आगे ले जा रहा है। एंड अमाने इतुस्की को ये भी बताता है कि हाँ, हम दोनों ने सेम बेड पे रात बिताई है, लेकिन उस रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, हम तो बस सिंपली साथ में सोए थे। और यार अगर अमाने कहे कि वो नेक्स्ट स्टेप पर जाना नहीं चाहता है तो शायद ये झूठ होगा, लेकिन हाँ लगता है कि मायरू को अमाने के साथ सोना अच्छा लगता है, इसलिए उसके हिसाब से बिना कुछ किए सिंपली साथ में सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतुस्की का कहना है कि एज अ कपल ये शायद गलत आइडिया है, क्योंकि मे बी मायरू नेक्स्ट स्टेप पर जाना चाहती हो। इतुस्की को ये भी पता है कि अमाने उस टाइप का लड़का है जिसे अगर 1% भी रिजेक्शन दिखा तो वो तुरंत पीछे हट जाएगा। लेकिन हाँ, इतुस्की के मन में ये भी चल रहा है कि जो भी हो, अमाने कुछ करे या ना करे, बट इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि मायरू चितोसे के एडवाइस के हेल्प से अपने साइड से कुछ ना कुछ जरूर करेगी। और यह सीजन 2 में मैंने बताया था ना कि मायरू चितोसे से लव एडवाइस लेती है, जिससे ये तो साफ है कि अमाने के लव लाइफ में चितोसे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन यार अमाने चाहता है कि चितोसे मायरू को कोई वियर्ड आइडिया ना दे, बट यार स्टिल चितोसे को इन दोनों के कंपैरिजन रिलेशनशिप का ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो हो सकता है चितोसे का आइडिया काम भी आ जाए, बट क्या होगा ये तो आगे ही पता चलेगा। एंड नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है चितोसे के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मायरू वापस अमाने के अपार्टमेंट आई है और उसके एक्सप्रेशन देख के अमाने को समझ आ चुका है कि चितोसे ने पक्का मायरू को कुछ अजीब आइडिया दिया है। और अमाने जानना चाह रहा है कि चितोसे ने आखिर उससे क्या कहा है। एंड अमाने के पूछने पर मायरू ने सिंपली उसकी तरफ से अपनी आंखें फेर ली, जिससे यार ये तो साफ है कि चितोसे ने पक्का मायरू को कुछ ऐसा बताया है जो बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है और वो अमाने को बता नहीं सकती। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, आज अमाने ये जान के ही रहेगा कि चितोसे ने मायरू को आखिर कैसी अजीब एडवाइस दी है। इसलिए अमाने ने अपना चेहरा मायरू के करीब लाया एंड इस चीज से मायरू इतना ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रही है कि वो यहाँ से जल्द जाना चाहती है। और उसका कहना है कि चितोसे ने उससे कुछ खास नहीं कहा है, लेकिन अमाने को पता है
कि चीतोस ने कुछ तो एम्बेरसिंग कहा है, इसलिए वो मायरू से कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो ये चीज मेरी आंखों में देखते हुए कहो, और अगर तुम कुछ छुपा नहीं रही हो तो इतना तो तुम कम से कम कर ही सकती हो। लेकिन यार अमाने के ऐसा कहने के बाद भी मायरू उसके आंखों में डायरेक्टली नहीं देख पा रही है, जिससे यार ये तो साफ है कि चीतोस ने पक्का मायरू को कुछ नॉटी आइडिया दिया है, जो कि यार हमें एपिसोड 2 में पता चलेगा। और यार बता दूं कि एपिसोड 2 बाकी एपिसोड के कंपैरिजन बहुत ज्यादा नॉटी और रोमांटिक होने वाला है। सो यार अगर एपिसोड 2 मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं एपिसोड 2 में।